माता रानी की जय। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ब्लॉग मैं चालू कर रही हूँ। जी हाँ, आज से हमारा नवरात्रि जो है चालू हो रहा है। साथ ही साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। आप सबको हिंदू नववर्ष की भी हार्दिक अभिनंदन। आज से मेरा उपवास भी चल रहा है, तो आज मैं क्या क्या बनाई अपने उपवास का पहला दिन के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको मैं बताऊँ, आज एक छुट्टी भी मिल गई थी मुझे गलती से, पता नहीं कैसे। जो भी हो, आज मैं घर पर हूँ, तो मैं आज साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने की खीर बनाए। काफ़ी सिंपल सा रेसिपी, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि आपको अगर उपवास करना रहता है तो रोज़ आप बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं बना सकते हैं। बहुत डाइट कॉन्शियस हो जाना पड़ता है, पानी सफिशेंट लेना पड़ता है, क्योंकि मैं शुगर वाली हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा और सावधानी बरतनी पड़ती है। जी हाँ, साबूदाने की खिचड़ी के लिए आप सबको पता है, रोस्टेड पीनट्स, और उसको मैं इस तरह से दरदरा पीस ली, और मैंने रात भर भिगाया हुआ साबूदाना लिया, और आलू उबाल के क्यूब में काट के ले लिया, दो चार हरी मिर्च ली, और आपको मैं बता दूँ सेंधा नमक डालती हूँ मैं, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च तो जाता ही है उपवास में, तो लाल मिर्च पाउडर भी मैं डाल देती हूँ, ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो डालिए, वरना ऐसे भी चल जाएगा। ये है सेंधा नमक, और हम बनाते हैं। ये बस कम से चीज़ें और बहुत टेस्टी होती है। हाँ, जब साबूदाने की खिचड़ी मैं बनाती हूँ ना, थोड़ा सा उसमें जीरा का तड़का ज़रूर लगाती हूँ। ये देखिए, मैंने पैन रख दिया, रिफाइंड ऑयल लिया 2-3 चम्मच, और ये अगर आप नॉनस्टिक में नहीं बना रहे ना, तो कढ़ाई में थोड़ा तेल फैला दे। देखिए, ये जीरा मैंने डाल दिया, और ये जैसे ही चटकने लगा, इसके बाद डाल लेंगे छोटे टुकड़ों में कटे हुए हरी मिर्च। मैंने 2 बड़े हरी मिर्च लिए हैं, आपको जितना तीखा चाहिए आप उतना तीखा ले सकते हैं, और इसे ज़रा सा कलर बदलने तक हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे जीरा के साथ। ये रिफाइंड ऑयल में, ये देख सकते हैं आप, धीरे धीरे स्प्लैटर करने लग गया, और इसे मैं चला लूँगी। चलाते चलाते मैं कढ़ाई में चारों ओर थोड़ा सा तेल फैला रही हूँ, क्योंकि ये नॉनस्टिक कढ़ाई है नहीं, और इसमें चीज़ें चिपके ना, इस वजह से ही मेरा टेक्निक रहता है। मैं थोड़ा सा किनारों को तेल फैला के ऐसे लगा लेती हूँ। अब हम डाल देंगे क्यूब में कटे हुए उबले आलू। आलू उबला हुआ आलू ले लें, इसे क्यूब में काट लें, और इसे डाल दीजिए साबूदाने की खिचड़ी में। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है जब आप आलू डालते हैं साबूदाने की खिचड़ी में। इसे भी हम 1-2 मिनट चला लेंगे। अब मैं ले रही हूँ करीब 250 ग्राम्स पहले से भिगोया हुआ साबूदाना, जो कि मैं इस तरह से बना रखी थी, बहुत खिले खिले भीग गए थे, और इसे ओवरनाइट भिगाई थी मैं। इसे मैं डाल ली कढ़ाई में। साथ ही साथ देखिए, ये क्वांटिटी में मैंने बिना छिलका उतारे रोस्टेड ग्राउंड नट्स को दरदरा पीसा, और उसे भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब मैं ले रही हूँ सेंधा नमक। जी हाँ, उपवास में मैं नमक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ। अब फ्रेंड्स, डाल लूँगी ज़रा सा शक्कर। शक्कर इस साबूदाने की खिचड़ी को बहुत ही टेस्टी बना देता है, और इसे सीम में आप चलाइए। आप सारी चीज़ें अब डल चुकी है लगभग, आप इसे चलाते वक्त ये ध्यान रखें कि चीज़ें गले ना और जले ना, तो सिम में। अब मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ कश्मीरी लाल, हल्का कलर लाने के लिए। ये ऑप्शनल है, आपको लगा तो आप डालिए, अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यूं ही 1 से 2
ही साथ ओवर ईटिंग नहीं करना है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक बाय, जय श्री राम।